आप समझ सकती हैं कि हम जानते हैं कि ये जो ढाई दिन का झोंपड़ा है, ये एक ऐतिहासिक इमारत है और ये भारतीय पुरातत्व विभाग की संपत्ति है और देश में जो विधान बना हुआ है उसमें जितनी भी संपत्तियां हैं वो भारतीय पुरातत्व विभाग के सरकार के अधीन है और पुरातत्व विभाग उनकी देखभाल करता है, उसका स्टेटस भी पुरातत्व विभाग ही नियत करता है। अब जिस तरह से बयान मौजूदा सांसद ने दिया है, वो जानते हैं, इन परंपराओं को जानते हैं, इस विधान को भी जानते हैं कि उनके कहने मात्र से ये संभव नहीं है। उसकी उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें आप केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करें, उसके प्रस्ताव पास करें, उसके बाद उस पर केंद्रीय सरकार के अंतर्गत ही इस पर पुरातत्व विभाग जो है विचार करता है। लेकिन जिस तरह के हवा में उन्होंने जो ये तलवार घुमाई है और जिस तरह से सांप्रदायिकवाद को, अराजकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल यह, धार्मिक आस्था सभी के लिए बराबर है, चाहे वो कोई धर्म का हो। संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, संस्कृत की, हमारी संस्कृति पर आघात पहुंचाया गया, उसको तोड़ा गया और आज ASI पुरातत्व विभाग के अंडर में है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद असगर अली। सैयद जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर शिप्रा माथुर। माथुर जी, आपका भी स्वागत है सच में धड़क में। सैयद साहब, बोहरा साहब ने बयान दिया कि 2.5 दिन के झोपड़े में एक दिन पाठ किया जाएगा, मंत्रोच्चारण किया जाएगा, आप इसे किस तरीके से मानते हैं? हम देखते हैं वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की जो बुनियाद है वो वेद पर है और वेद के अंदर जब हम जाते हैं तो नतस्ते प्रतिमा अस्ति यशो नाम महादशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका तो सिर्फ नाम ही काफी है। हिंदू धर्म साहित्य में हम देखें 108 उपनिषद में देखें, जिसमें से 10 जो सर्वमान्य उपनिषद हैं, ईश केन कट परशन मुंडक मांडल्य तृतय छांदोक्य, इन सब में कहीं पर भी मूर्ति पूजा का नहीं। तो ये मूर्ति पूजा कहाँ आई? वैदिक धर्म वालों ने दरअसल अध्यात्म को थपक थपक के सुला दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है उसको आप संस्कृत बनाइए। हम इसके पक्ष में हैं कि संस्कृत बनाइए, जिस तरह आज भारत के नौजवानों का और भारतीयों का ब्रेन पूरी दुनिया यूज कर रही है। और सबूत है वहां पर, सैयद साहब सबूत है वहां पर, आप इसे कैसे नकार सकते हैं सर? नहीं, मैंने क्या कहा आपसे? मुगल शासन तो याद ही होगा ना आपको कि सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिए गए थे, वो तो याद होगा ना? नहीं, कौन सा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूं, बाबरी मस्जिद के बारे में कहते हैं कि राम मंदिर तोड़कर तो मस्जिद बनाई गई, जिसको किसी ने नहीं देखा और ये पूरी संसार ने देखा कि बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, एक मिनट, मैं मेरी बात सुनिए। नहीं, और केशव देव मंदिर है मथुरा में, ये भी आपको पता ही होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में, मैं आपको दिखा रही हूँ सर, आखिरी दिखा रही हूँ ना, अटाला देव मंदिर है जौनपुर में और रुद्र महाले मंदिर भी है सर गुजरात में है। अरे आपने पूछा ना सर कि कौन सा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, मैं वही बता रही हूँ आपको। हाँ मैडम, सुनिए, आपने जितने भी नाम लिए हैं बाबरी मस्जिद राम मंदिर को छोड़ के, यहाँ सब जगह मंदिर मौजूद है और बाबरी मस्जिद के केस के अंदर 1043 पेज के केस के अंदर फैसले के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 568 नंबर पेज पर ये कहा है कि इन केस सम टेंपल हैड बीन डेमोलाइज्ड। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए सैयद साहब, ग्राउंड के अंदर कोई भी वहां पर बाबरी। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए सर, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मैं आपको मंदिरों के नाम बताऊंगी कौन कौन से मंदिर तोड़े गए, आप मुझे इतना बता दीजिए। सिंपल सवाल है सर कि हमारे भारत में ऐसी, एक बार सुन लीजिए सैयद साहब, सुन लीजिए, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ। नहीं सैयद साहब, सुन तो लीजिए आप, बस मुझे इतना बताइए कि हमारे भारत में ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसे तोड़ के मंदिर बनाया गया हो, मुझे बता दीजिए सर। 5 नाम गिना दीजिए, मैं आपको बहुत सारे नाम गिना दूंगी। आप ऐसी मस्जिद बताइए ना जो मंदिर तोड़कर बनाया गया, राम मंदिर के मामले में कोर्ट ने नहीं माना। मैं आपको मंदिर कहाँ माना कोर्ट ने? 9 से 10 नाम तो मेरे पास ही है। अरे सर, आप फैसला नहीं पढ़ते क्या? बताऊँ, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज का युवा को संस्कृत पढ़नी चाहिए
ताकि उसे पता चले कि मूर्ति पूजा उसके यहाँ थी नहीं। खुद श्री रामचंद्र जी जब विश्वामित्र के आश्रम में थे तो विश्वामित्र रोजाना उनको उठाया करते थे और कहते थे ये कौशल्या के पुत्र श्री राम उठो और सुबह की प्रातः काल की उपासना करो। तो ये किसकी उपासना करते थे? राम रामाय नमः, जो राम का राम है उसके आगे झुको, ये राम सूत्र है। कौशल्या सुपर्जा रामा पूर्वा संध्या पूर्वा थे, वो कहकर उठाते थे कौशल्या के पुत्र। सुनिए सुनिए, इतिहास गवाह है, मोहम्मद गौरी ने मंदिर तोड़कर बहुत मस्जिदें बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये इतिहास का गवाह है कि ये लिखा है मोहम्मद गौरी ने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई। बहुतायत जिस तरीके से मुगल का शासन रहा, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि भाई जहां जहां हमारी नजरें जाए वहां मंदिर होने ही नहीं चाहिए। वो क्या था कहने की बातें? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, सर किताबों में भी कहने की बातें हो गई सर।